आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे ट्रूकॉलर ऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। कंपनी बंद करेगी पॉपुलर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पेंशन पाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, वृद्धावस्था विधवा दिव्यांग पेंशन की रकम में बढ़ोतरी, अब मिलेंगे 4,500 रुपए से राज्य में सरकार ने किया है ऐलान। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में खाता रखने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब लोन चुकाने की टेंशन खत्म, पीएनबी ने ग्राहकों के लिए शुरू की है नई सर्विस। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, रेलवे ने दी है चेतावनी, ट्रेन में सफर के दौरान अगर की ये गलती तो होगी जेल और चुकाना पड़ेगा भारी जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिना किसी गारंटी के पा सकते हैं 1,60,000 रुपए तक का लोन। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर खाने के तेल को महंगा होने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तब ट्रूकॉलर पर नहीं कर पाएंगे कॉल रिकॉर्डिंग, 11 मई से बंद हो जाएगी ये सुविधा। मोबाइल नंबरों की पहचान करने वाला पॉपुलर ऐप ट्रूकॉलर ने रिकॉर्डिंग सर्विस बंद करने का ऐलान किया। दरअसल अब आप 11 मई से ट्रूकॉलर ऐप के माध्यम से कॉल की रिकॉर्डिंग यहां पर नहीं कर पाएंगे। दरअसल ट्रूकॉलर ने गूगल की नई पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया है। दरअसल गूगल ने 11 मई से API का एक्सेस बंद करने की बात यहाँ पर कही है और तमाम कॉल रिकॉर्डिंग ऐप्स रिकॉर्डिंग के लिए API का ही इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। वही गूगल के सेक्शन के बाद ट्रूकॉलर कॉल रिकॉर्डिंग फीचर को अपने ऐप से हटाने की बात यहाँ पर कही है। वह ट्रूकॉलर की ओर से आगे कहा गया है कि गूगल की नई डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी के मुताबिक अब कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा वो नहीं दे पाएंगे। दरअसल ट्रूकॉलर का कहना है कि उसने यूजर्स की मांग के आधार पर सभी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए कॉल रिकॉर्डिंग की शुरुआत यहाँ पर की थी। वह ट्रूकॉलर पर कॉल रिकॉर्डिंग सभी के लिए फ्री थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए, लोन चुकाने की टेंशन खत्म, पीएनबी ने ग्राहकों के लिए शुरू की है नई सर्विस। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ी सुविधा दी है। दरअसल ये सुविधा लोन पैसा चुकाने को लेकर है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि अब लोन का रीपेमेंट करने के लिए चेक लेकर इधर उधर भागने की ग्राहकों को जरूरत नहीं है। अब ग्राहक कहीं से भी और कभी से भी यहाँ पर कहीं भी यहाँ पर पैसा चुका सकते हैं। दरअसल पीएनबी ने ग्राहकों को अब तक चेक लेकर जो पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है उनको बैंक शाखा जाना पड़ता था, लेकिन ये जो काम है अब मोबाइल से ही होगा। दरअसल लोन की EMI अपने मोबाइल में रखे UPI ऐप से चुकाई जा सकती है। इसके लिए ग्राहक चाहे तो गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम का सहारा ले सकते हैं। यानी लेनदार अब UPI से जट से लोन की EMI चुका सकते हैं। चेक की टेंशन भी इसमें खत्म कर दी गई है। दरअसल ये अगर होता है तो चेक की जो टेंशन है वो खत्म हो गई है। इस नई सर्विस के बारे में पंजाब नेशनल बैंक ने ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी है। वह ट्वीट के माध्यम से बैंक ने बताया कि अब UPI के जरिए लोन की EMI चुकाने में कितनी यहाँ पर जो लोन की EMI है वो चुकाने यहाँ पर ग्राहकों की और आसान हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेंशन को लेकर बड़ी खबर देखिए, सरकार ने किया है ऐलान, वृद्धावस्था और विधवा और दिव्यांग पेंशन की रकम में हुई है बढ़ोतरी। उत्तराखंड सरकार ने कहा अब मिलेंगे 4,500 रुपए। उत्तराखंड में पेंशन पाने वाले लोगों के लिए अच्छी यहां पर खबर निकल कर सामने। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने करीब 7.25 लाख पेंशनरों को चालू वित्तीय वर्ष में दूसरी बार खुशखबरी यहां पर दी है। दरअसल सरकार ने पेंशन में फिर से बढ़ोतरी यहां पर की। इससे पहले अप्रैल के पहले सप्ताह में पेंशन की रकम 200 रुपए से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया था। अब सरकार ने इसमें 100 रुपए का और इजाफा कर दिया और 1500 रुपए कर दिया। यानी महज एक महीने में जो पेंशनर्स हैं उनको दो बार बड़ी खुशखबरी मिली। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार की तरफ से इसके लिए जो निर्देश है वो भी जारी कर दिए गए। शासन से मिले निर्देश के अनुसार समाज कल्याण विभाग ने 7,23,000 पेंशनरों को 1 अप्रैल से उनके खाते में पहली तिमाही के लिए 4,500 रुपए की रकम यहाँ पर जारी करना शुरू करने की तैयारी कर दी है। बता दें आपको उत्तराखंड में 2014 में अंतिम बार पेंशन की जो रकम वो बढ़ाई गई थी, तब वृद्धावस्था दिव्यांग और विधवा पेंशन की रकम हर महीने 1200 रुपए की गई थी। अब फिर इस साल यानी 2022 में मार्च में जो पेंशनर है उनकी पेंशन रकम में बढ़ोतरी की गई है। CM पुष्कर सिंह धामी ने तीनों श्रेणियों की पेंशन को बढ़ाकर 1400 रुपए करने की घोषणा की। फिर एक बार फिर CM ने पेंशन की रकम में बढ़ोतरी की है, अब ये 1500 रुपए हो चुकी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो टाटा मोटर्स की कारें हुई है महंगी, 23 अप्रैल से कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। वाहन बनाने वाले देश की और दुनिया की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने तत्काल प्रभाव से अपने पैसेंजर व्हीकल्स की
कीमतों में औसतन 1.1% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। वही कंपनी ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा है कि वाहन निर्माण की लागत में बढ़ोतरी के चलते यात्री वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी यहां पर की गई है। वही पीटीआई की खबर के मुताबिक टाटा मोटर्स ने कहा है कि ये कीमतें जो है जो कीमतों की बढ़ोतरी है वो 23 अप्रैल से ही यहाँ पर प्रभाव में आ गई है। वही अलग अलग मॉडल पर एडिशन के आधार पर औसत मूल्य वृद्धि 1.1% है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंडिया पोस्ट ने फेक वेबसाइट को लेकर ग्राहकों के लिए जारी की है एडवाइजरी। देश में इंटरनेट का चलन जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे फ्रॉड के मामले भी बढ़े हैं। इसी कड़ी में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने अब इंडिया पोस्ट के नाम पर ठगी का जाल यहां पर फैलाया है। वो व्हाट्सएप और फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ठगी के लिए कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फेक वेबसाइट और यूआरएल को लेकर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एडवाइजरी यहां पर जारी की है। दरअसल इंडिया पोस्ट ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें इंडिया पोस्ट ने बताया है कि उसकी ओर से किसी भी प्रकार की लकी ड्रॉ या फिर बोनस या फिर प्राइज या फिर बेस्ट सर्विस शुरू नहीं किया गया है। वह इस तरह के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं है। इसके साथ ही उसने लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह भी यहां पर दी है। वही अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिंक शेयर कर दावा किया जा रहा है कि इंडिया पोस्ट की ओर से लकी ड्रॉ शुरू किया गया है जिसमें कुछ सवालों का जवाब देकर आसानी से प्राइज जीता जा सकता है। इस संबंध में पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB ने ट्वीट करके लोगों को यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सलाह दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। अब 30 से ज्यादा यूजर्स कर पाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप वॉइस कॉल पर बात। ऐप में आ रहा है नया डिजाइन अपडेट। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई। दरअसल ऐप ने इंडियन यूजर्स के लिए एक नया अपडेट यहाँ पर जारी किया है। अगर आप भी ग्रुप वीडियो कॉल के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। दरअसल नए अपडेट के तहत व्हाट्सएप यूजर्स अब 32 लोग एक साथ यहाँ पर ग्रुप वॉइस कॉल कर सकेंगे यानी ग्रुप वॉइस कॉल जो है वो शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा भी यहाँ पर कंपनी ने ऐप के अपडेट में कुछ नए फीचर यहाँ पर और कुछ नए डिजाइन भी यहाँ पर जारी किए हैं जिसमें वॉइस मैसेज बबल के लिए यहाँ पर अपडेटेड डिजाइन और कॉन्टैक्ट और ग्रुप के लिए इन्फो स्क्रीन भी यहाँ पर शामिल है। वही व्हाट्सएप ने इससे पहले यहाँ पर 2020 में ग्रुप कॉल पार्टिसिपेंट का लिमिट यहाँ पर बढ़ाया था। वही व्हाट्सएप वॉइस कॉल के कई फायदे हैं जिसमें सबसे जरूरी HD ऑडियो क्वालिटी बेशक यूजर्स को एक यहाँ पर यूजर्स को इसके काम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होगी। वही वॉइस कॉल शुरू करने के लिए यूजर्स को कॉन्टैक्ट में जाना होगा और कॉल आइकन पर प्रेस करना होगा। दूसरी ओर ग्रुप वॉइस कॉल शुरू करने के लिए सबसे नीचे कॉल टैब को ओपन करें और वहां जाकर आप ये ग्रुप वॉइस कॉल चुन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर देखिए। रेलवे ने दी है चेतावनी। ट्रेन में सफर में की ये गलती तो होगी, जेल चुकाना होगा भारी जुर्माना। भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए एक बहुत ही यहाँ पर काम की खबर दी गई है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को चेतावनी यहाँ पर जारी की। दरअसल रेलवे ने यात्रियों के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर यहाँ पर रेलवे सख्त दिखाई दे रहा है। दरअसल रेलवे ने इसके लिए सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। रेलवे ने ट्वीट करके बताया है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री आग लगाने वाली सामग्री ना लेकर चले, ना ही किसी को ले जाने दे, ये एक दंडनीय अपराध है। अगर कोई यात्री ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उसे जेल भी हो सकती है। वही पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि ट्रेन में आग फैलाना या फिर ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम 1979 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है जिसके लिए पकड़े जाने वाले व्यक्ति पर 3 साल की कैद और यहाँ पर 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। वह रेलवे की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब यात्री ट्रेन में डिब्बे जो ट्रेन के डिब्बे उसमें यहाँ पर कैरोसिन सूखी घास और इसके अलावा पेट्रोल मिट्टी का तेल गैस सिलेंडर माचिस पटाखे या फिर आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। वह रेलवे ने यात्रियों के सफर को यहाँ पर सुरक्षित बनाने के लिए सख्ती यहाँ पर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को झटका। RBI ने ठोका है 36 लाख रुपए का जुर्माना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को झटका लगा। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने शुक्रवार को बताया है कि उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने 18 अप्रैल 2022 को जारी आदेश में कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कस्टमर सुरक्षा और गैर अधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कस्टमर की सीमित जिम्मेदारी को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर इस दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। वही बयान में आगे कहा गया है कि
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2020 को वित्तीय स्थिति को लेकर एक निरीक्षण यहाँ पर किया था, जिसमें इन निर्देशों का पालन न करने की बात सामने आई थी। केंद्रीय बैंक की जांच में ये सामने आया था कि बैंक ने उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक ने नोटिफिकेशन की तारीख 10 वर्किंग डेट के भीतर ग्राहक के अकाउंट में अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन में शामिल राशि को नहीं डाला था, जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। इसी के कारण से बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी, बिना गारंटी मिलेगा 1,60,000 रुपए का लोन। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल कर सामने आई। दरअसल किसानों को अब यहां पर सरकार की ओर से एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। दरअसल अब बिना किसी गारंटी के किसानों को यहां पर 1,60,000 रुपए का लोन यहां पर मिलेगा। दरअसल किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तहत फैसला यहां पर सरकार की ओर से लिया गया है। आपको बता दें कि किसानों की आय को दुगना करने और उन्हें साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड मोदी सरकार दे रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने हेतु भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 24 अप्रैल 2022 को जो 24 अप्रैल आज से यहाँ पर 1 मई तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के विशेष रूप से यहाँ पर एक अभियान यहाँ पर चला जाएगा। इसमें यहाँ पर किसानों को बिना किसी गारंटी के यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड सहित 1,60,000 रुपए का लोन यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर, इन किसानों को अब नहीं मिलेगी 11वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आने वाले, यानी 11वीं किस्त यहाँ पर आने वाली है। अब तक किसानों के खाते में इस योजना के तहत 10 किस्तें आ चुकी है। इस योजना के तहत सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए सीधे उनके खाते में सालाना 6,000 रुपए भेजती है, लेकिन कई बार आवेदन में हुई गलतियों की वजह से किसानों की जो किस्त है वो रुक जाती है। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के पास करोड़ों यहाँ पर आवेदन आते हैं, लेकिन इनमें से कई तरह की गलतियां यहाँ पर आवेदनों में होती है, जिसकी वजह से किसानों की किस्त रुक जाती है। इसमें बैंक डिटेल से लेकर टाइपिंग तक की गलतियां होती है, कई बार नाम गलत हो जाते हैं, तो कई बार यहां पर डिटेल जो आधार कार्ड की होती है वो यहां पर डिटेल आधार कार्ड से मैच नहीं होती है। वही कौन कौन सी इसमें गलतियां होती है तो आपको बता देती है कि किसी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म जो है उसको भरने से अपना नाम अंग्रेजी में आपको लिखना चाहिए। ये गलती अगर आप हिंदी में लिखते तो आप इसमें गलती कर रहे हैं। जिन किसानों का नाम आवेदन में हिंदी में है वे उसे अंग्रेजी में यहाँ पर कर ले। अगर आवेदन में नाम और बैंक खाते में आवेदक का नाम अलग अलग है तो पैसा अटक सकता है। दरअसल अगर आपका जो IFSC कोड है और बैंक अकाउंट नंबर है और गांव का नाम उसमें अगर आप गलती हुई तो भी आपकी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो उसकी तरफ से यहाँ पर रुक सकती है। वही अपनी गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाना होगा। वहां जाकर किसान कॉर्नर का विकल्प चुने, यहां पर आपको आधार एडिट विकल्प दिखाई देगा। वहां पर ये भी जो भी यहां पर अगर आपने गलती की है तो उसको यहां पर सुधार सकते हैं, नहीं तो जो आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो अगली किस्त है 11वीं किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा अगर आपने कोई भी इनमें से कोई भी गलती की तो।